46 दिन का वर्ल्ड कप, 45 दिन भारत के, लेकिन एक हार और सब कुछ खत्म। आप सभी को बता दें कि इन 45 दिनों के अंदर भारत ने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। मुकाबले तो 46 दिन हुए, लेकिन हम 45 दिन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि फाइनल का मुकाबला भारत हार गया ऑस्ट्रेलिया से, और इसी के चलते हुए वर्ल्ड कप भी उनके हाथ से निकल गया। लेकिन अब इस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने क्या कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं, आप सभी को बता दें कि विराट कोहली से लेकर के मोहम्मद शमी तक कई खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया था, और इसी दमदार प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया गया। मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बने, और रोहित शर्मा का भी एक और रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया। तो दिखाते इस रिपोर्ट में कि किस किसने क्या क्या रिकॉर्ड की बराबरी की। भारत भले ही वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया, लेकिन 46 दिन चले इस टूर्नामेंट में 45 दिन चैंपियन रहा। कुल 11 मैच खेले, इनमें से 10 मैच जीतने वाली टीम इंडिया इकलौती टीम है। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में भारत के विराट कोहली टॉप और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर रहे। विराट ने 765 रन और रोहित शर्मा ने 597 रन बनाए। वहीं बात करें तो मोहम्मद शमी, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट यानी कि 24 विकेट लिए। ये टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चला। आगे स्टोरी में हम आपको बताते हैं कि भारत हावी क्यों रहा और टूर्नामेंट के दौरान बने हुए टॉप रिकॉर्ड्स आखिरकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करें तो एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने फाइनल में 54 रन की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने इस वर्ल्ड कप को 765 रन के साथ में ख़त्म किया। एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वह अब बन चुके हैं। दूसरे नंबर पर भारत के ही सचिन तेंदुलकर का नाम था, जिन्होंने 2003 में 673 रन बनाए थे वर्ल्ड कप में। अब बात करें अगर दूसरे रिकॉर्ड की, तो सेमीफाइनल में सेंचुरी भी लगाई विराट ने, जो उनके वनडे करियर की 50वीं सेंचुरी रही, और विराट के नाम वनडे में सबसे ज़्यादा शतक का रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिनके नाम 49 वनडे शतक थे। मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा विकेट लेने के साथ ही वर्ल्ड कप में अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए हैं। इसके लिए उन्होंने मैच 17 पारियां खेली हैं, जो टूर्नामेंट इतिहास में सबसे तेज हैं। आप समझिए कि मोहम्मद शमी ने इस बार 50 विकेट जो वर्ल्ड कप के अंदर होते हैं वह पूरे कर लिए, और उन्होंने महज 17 पारियां खेली हैं, और इतिहास के अंदर ये सबसे तेज भी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 19 पारियों में 50 विकेट लिए थे। शमी ने इस वर्ल्ड कप में 24 विकेट के साथ टॉप पर रहे, तो विराट वनडे में 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ा और सचिन से 173 पारियां कम भी खेली। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।